राजकुमार जालंधर से कुछ सुनाई कम देता था, 3-3.5 साल, 3-4 चेंज की कुछ नहीं हो कहते। ट्रीटमेंट में मशीन ही लगे, पहले एक मशीन लगाई थी, ये दूसरी मशीन चेंज की थी। पहले किया था 50, उसके बाद किया 55। बाकी आने जाने का किराया खर्चा, 10 दिन बाद जाना फिर आना, 6 महीने हमारे अमृतसर जाते थे चक्कर लगते, जलंधर से 80 किलोमीटर पड़ता है उधर, उसका गाड़ी का खर्चा लगेगा अपना 1000 रुपये खर्चा, फिर दिहाड़ी मार के जाना, बच्चों को छोड़ के जाना। इधर से एक फौजी था, वो कैंप में रहते हैं फौजी, उसने कहा था भी ऐसे करके, फिर मैंने यूट्यूब देखा उसको, बिल्कुल देखते तो 1.5 साल हो गए, बस आने का मौका नहीं मिला। फिर लॉकडाउन हो गया, इसके बाद सोचा फिर थोड़ी गर्मी ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा अहमदाबाद गर्मी ज्यादा होती है। पहले लॉकडाउन में भी मैं चंडीगढ़ में, उन्होंने कोई फाइनल किया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर कहीं गए नहीं। उन्होंने भी लास्ट यही बताया कि ऑपरेशन होगा या फिर मशीन लगेगी। एक हॉस्पिटल है अपने पंजाब बठिंडा में, उन्होंने अच्छा तो देखा, फिर बात ही 100% मशीन पे आ जाती है। मशीन लगाओगे तो ठीक रहोगे। जैसे आप सामने करके इतनी बात भी नहीं समझाते। देखो आप परमात्मा की दया है, विश्वास तो पूरा जरिया है, आपसे मिलने का भी जरिया था। बाकी जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में, खाने पीने का संबंध होता है। सही वो है, मैसेज तो यही है भी एक बार विश्वास करके देखो। बाकी विदाउट ऑपरेशन, विदाउट सर्जरी, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, कोई 50-100 भी नहीं है, कुछ ज्यादा भी थोड़े खर्चे में ही आपका, और इसका जो बेनिफिट है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसन है, 6 महीने का ट्रीटमेंट है, बोल रहे इसमें फर्क भी पड़ भी गया, चलो और कुछ भगवान दवा कुछ दवा दोनों काम करती है।